दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू। होली का त्योहार मायके में नहीं ससुराल में ही मनाते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ आपने मुझे तो पहली होली पर मायके नहीं भेजा था, तब तो ये कहकर मना कर दिया था कि हमारे यहाँ बहुओं को किसी भी तीज त्योहार पर मायके भेजने का रिवाज नहीं है। फिर ये रिवाज दीदी के समय आपने ये कहकर बदल दिया। शादी के बाद साल भर तक बेटियों का हर तीज त्योहार मायके में होता है। ये तो दीदी के ससुराल वाले अच्छे थे जो उन्होंने आपकी बात रखी। आज देवरानी जी को भी आप पहली होली पर मायके भेज रही हैं। मैंने तो इतने सालों में होली तो क्या कभी कोई छोटा सा त्योहार भी नहीं मनाया। जूही ने अपनी सास जयंती जी से शिकायती लहजे मैं कहा। उसके मायके से चार बार उसकी माँ का फोन आ चुका है। तुम्हारे मायके से तुम्हारे पिता ने बुलाने के लिए कोई संदेशा भी भिजवाया था कि भेज ही देते। जयंती जी ने जूही की बात को भड़कते हुए तेज आवाज में जवाब दिया। बुलाने के लिए संदेशा भेजा था, पापा की लिखी वो सिटी आज भी मेरे पास सुरक्षित रखी है, जिसमें उन्होंने मुझे होली पर मायके भेजने की मनुहार की थी। लेकिन आपने लौटते डाक से उन्हें मना करने का संदेशा भिजवा दिया था। कितना कष्ट हुआ था उन्हें और मुझे, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़ी रही। बेटी के लिए आपके नियम कायदे अलग थे ये तो समझ में आता है, लेकिन घर की दोनों बहुओं में बड़ी बहू के लिए नियम कायदे अलग, छोटी के लिए अलग, ये भेदभाव क्यों? आज तक मैंने आपकी किसी बात पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन घर में ही रहने वाली दोनों बहुओं में आप भेदभाव करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जयंती जी अपनी बड़ी बहू जूही की बातें सुनकर तिल मिला उठी। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी, जहादा मायके में त्योहार मनाने की इच्छा बदलवती हो रही है, तो रहो वही जाकर फिर हम भी देखेंगे कि माता पिता कितने धनचेट हैं जो तीज त्योहार पर समधियों का मान सम्मान लेन देन कैसे करते हैं। आपको इतनी ही लेन देन की उम्मीद थी, तब तो फिर अपने बेटे की शादी ही नहीं करनी थी, क्योंकि आपको तो पता था ना कि मेरे पिता के पास इतनी धन दौलत नहीं है जो हर छोटे बड़े मौके पर आपके घर तोहफे भेज सके। आज मुझे आपका भेदभाव पूर्ण व्यवहार समझ में आया कि आप मुझे मायके भेजने के लिए क्यों तैयार नहीं होती थी, क्योंकि देवरानी जी के मायके वालों की तरह मेरे मायके वाले धनी नहीं हैं।
वहाँ आपको कुछ भी मिलने मिलाने की उम्मीद नहीं है। बड़ी बहू की बातें बिल्कुल सही हैं। मैं भी इस घर में यही भेदभाव देखता आ रहा हूँ, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। उसके मायके जाने के नाम पर तुम हमेशा रोड़ा अटका देती थी। तुमने उसे जाने ही कब दिया? जैसे तुम्हें हर मौके पर अपनी बेटी को मायके बुलाने का साव रहता है, वैसे ही बड़ी बहू को भी मायके जाने का रहता है। और फिर मुझे तो ये समझ नहीं आता, छोटी बहू के लिए तो तुम तुरंत तैयार हो जाती हो, इस तरह का भेदभाव वो भी एक ही घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिर तुम कब तक अपनी मनमानी करके उसके साथ अन्याय करती रहोगी? आज उसने तुम्हें आईना दिखा कर बिल्कुल सही किया, और इस बार छोटी बहू तो मायके जाएगी ही, बड़ी बहू भी होली मायके में ही मनाएगी। आखिर उसके भी अरमान होंगे शादी के बाद तीज त्योहार अपने माता पिता भाई बहन सखी सहेलियों के साथ मनाने के। फिर बड़ी बहू की तरफ मुखातिब होकर बोले, जाओ बेटा तुम भी तैयारी कर लो जाने की। आज बड़ी बहू को अपने हक में बोलते देख ससुर दीन दयाल जी ने भी अपनी सूपी तोड़ ही दी। अपनी बात गलत साबित होते देख जयंती जी तिल मिला गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई और मन महसूस कर रह गई कि अब त्योहार पर सारा काम उन्हें अकेले ही करना पड़ेगा, जिस वजह से वो हमेशा बड़ी बहू जूही के मायके जाने के खिलाफ रहती थी और परंपराओं रिवाजों का हवाला देकर उसे ससुराल में ही रोक कर रखती थी। लेकिन आज उनका पासा उल्टा पड़ गया। जूही जल्दी से अपने ससुर जी की आज्ञा मानकर मायके जाने की तैयारियों में जुट गई।